how do you think? Do you think this woman entrepreneurship is the right term? Is it justified? Is it balanced? कि कितने percent community है जो जिसको हम बोल सकते हैं कि वो woman entrepreneur है, कितना strong है ये वाला जो word हम use कर रहे हैं? What are your views on this? So, woman entrepreneur as a word, as a concept, is very, very strong. And the only thing is, people have not yet realized who should we call a woman entrepreneur. In my point of view, anybody who has a land and who is tilling the land and growing a crop and selling it is a woman entrepreneur if she's a woman. Anybody who is sitting even as a sabjiwala and selling her produce is a woman entrepreneur. But what has happened is people have only started realizing woman entrepreneur only in the form like who has a shop or an industry or providing services. Only those people have been recognized as a woman entrepreneur. But in my point of view, this concept has been there from years in India, only that we have started realizing that we need to identify and we have to name them as women entrepreneurs, and then we, at to some extent, we are also ready to help them as being a woman entrepreneur in the society. So, do you think that women needs to have some kind of mentoring to come up? Because many stories, like there are so many people who have started but they have just failed to take off. So, is there any need of mentoring or training or teaching or handholding? In my life experience, I have seen and I have felt it that a lot of time women work on the concept of assertism. समथिंग लाइक हम लोग ये बोलते हैं कि अगर हम काम कर रहे हैं तो कोई हमें रिकग्नाइज करे कि हम काम करें. ये वुमेन के अंदर मुझे लगता है एक ज़्यादा इनहेरेंट जज्बा है. तो अगर आप ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास मेंटरिंग होनी चाहिए या हैंड होल्डिंग होनी चाहिए, तो डेफिनेटली वुमेन नीड्स दैट मेंटरिंग, दैट हैंड होल्डिंग, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इट नीड दैट मोटिवेशन एंड यू नो अ बैकिंग. मतलब आई फील दैट टुडे इफ आई एम एन एंटरप्रेन्योर एंड आई एम सिटिंग हियर एंड वर्किंग, द बेसिक हैंड होल्डिंग और बेसिक मोटिवेशन विच आई गॉट वॉज फ्रॉम माई मदर लॉ हु इज़ देयर एट माई हाउस, हु सेड कि व्हाई डू यू वॉन्ट टू सिट एट द हाउस, अगर तुमने पढ़ाई करी है और तुम कुछ कर सकती हो तो जाओ करो ना, हम हैं ना घर संभालने के लिए. तो ये जो फैक्टर होता है जब आप किसी के पीछे खड़े होकर बोलते हो तुम करो ना, हम हैं ना तुम्हें देखने के लिए, दिस इज़ वॉट ईच एंड एवरी वुमन नीड टू गो फॉरवर्ड इन द लाइफ. एंड देन आपने जो यह बात बोली कि बहुत सारे जने चालू करते हैं एंड वी सी दैट वुमेन डू नॉट एबल टू टेक ऑफ, यहाँ पर ना मैं दो चीज़ें बोलना चाहूँगी. पहले चीज मैं ये बोलना चाहूँगी कि जहाँ तक टेक ऑफ की बात है, इट्स नॉट लाइक एवरी बिजनेस फ्लरिश. हम सिर्फ वुमेन को देख के नहीं बोल सकते कि वुमेन का बिजनेस फ्लरिश नहीं किया और मेन का बिजनेस फ्लरिश करता है, ऐसा नहीं है. लेकिन जो फ़र्क मैंने कई बार नोटिस किया कि वुमेन डज नॉट एक्सेप्ट फेलियर्स एट ऑल, क्योंकि जब वो कोई बिजनेस चालू करती है उसका कमिटमेंट लेवल बहुत हाई होता है एंड टू प्रूव हरसेल्फ उससे भी हाई होता है. और अगर उसको फेलियर हो जाता है तो उसको वो वापस चालू करने में, उस चीज़ को वापस से रीडू करने में या कोई दूसरा बिजनेस चालू करने में जो उसकी मेंटल ब्लॉकेज है वो काफ़ी बड़ी है. मुझे लगता है उस समय उसको वो हैंड होल्डिंग चाहिए कि ओके कोई बात नहीं, ये बिजनेस नहीं चला, लेट्स वर्क ऑन समथिंग एल्स एंड लेट्स डू इट. तो वो फेलियर से उसको निकालना मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और एक रिक्वायरमेंट भी है. तो इसलिए वहाँ पर उसको मेंटरिंग ऑन हैंड होल्डिंग चाहिए. दूसरा मेरा ये मानना है कि आज की डेट तक भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एक ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिला जिसमें वो अपने आप को ग्रोथ के लेवल पे देख सके. मतलब अगर मैं आज बोलूं कि मैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहती हूँ 100 करोड़ का, तो मेरे को ये सोचना या बोलना अपने आप में ऐसा लगता है कि पता नहीं मैंने क्या बड़ी चीज़ बोल दी. जबकि अगर वही सिचुएशन किसी दूसरे की हो और उसको फैमिली बैकग्राउंड मिलता हो और वो बोले मैं 100 करोड़ की यूनिट डालना चाहता हूँ, तो आई थिंक सो उसके फ्रेंड्स, उसकी फैमिली उसको इंकरेज करेगी कि तुम ऐसा करो. ये चीज़ वुमेन के साथ जल्दी से नहीं होती है. आप ये देखेंगे कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वुमेन देखेंगे तो एक लेवल तक तो वो वहाँ पहुँच गई है, क्योंकि उसमें बहुत सारी उसकी खुद की स्ट्रेंथ है, उसके खुद का सर्कल है, खुद का कम्युनिकेशन है, उसके पास उसके खुद के फंड्स हैं. बट जब वो उससे नेक्स्ट लेवल पर पहुँचना चाहती है, तब वहाँ पर जो उसको पुश चाहिए, चाहे वो फैमिली का चाहिए, चाहे क्रेडिट मीन्स लाइक फंड्स का चाहिए, चाहे उसकी नेटवर्किंग का चाहिए, वो वहाँ पर मिसिंग होता है. तो वो नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ पे जाती ही नहीं है. लुकिंग टू ऑल दोज फैक्टर्स, आई विल ऑलवेज से कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स नीड्स दैट पुश टू गो टू द नेक्स्ट लेवल.